हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाइयों, आज हम लोग आप लोगों के लेके आए हैं दोस्तों अपने भाई ग्लैंजा का टॉप एंड वेरिएंट, वो भी ऑटोमेटिक के अंदर। 1.2 लीटर का इंजन आता है इसमें, देख सकते हो भाई। सबसे पहले भाई जो लाइट्स हैं इसकी, वो भाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक है यार। मतलब जो है ना, LED प्रोजेक्टर मिलता है अपना, LED सेटअप मिलता है, LED फॉग लैंप मिलता है अपने को। और जो ये क्रोम वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है यार। मतलब कि इसकी लुक को जो है ना और ज़्यादा एनहेंस कर रहा है, मतलब थोड़ा सा जो है ना अग्रेसिव लुक दे रहा है अगर आप देखोगे तो। और भाई ये जो रफ ब्लैक में अपनी जाली है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। और ये जो क्रोम वाला पार्ट है जो कैरी फॉरवर्ड होकर अपना भाई यहाँ के टोयोटा के लोगो तो का रखा है अपना, टोयोटा का लोगो मिलता है, 360 कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे पहला कैमरा ये रहा दोस्तों यहाँ पे सामने आपके। और जो इसके अपने को आप कर्व्स देखेंगे ना, बोनट के जो कर्व्स हैं ये वाले जो आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है यार। मतलब काफ़ी यूनिक है। और ये छोटी सी जाली जो है अपना रेडिएटर वगैरह यहाँ पे मिल जाए, सामने नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पे जगह मिल जाएगी आपको। एक बार मैं दिखाता हूँ दूर से, मतलब थोड़ा सा जो है ना, मतलब जो एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, अपना जो स्टाइलिश फ्रंट ग्रिल होगी, अपने स्पोर्टी फ्रंट बम्पर है अपना, जो कि भाई अपना बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं अपने को। और जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा स्लीक है, बहुत मशीन कट अलॉय व्हील मिलते हैं अपने को भाई। 195/55 R16 इंच की टायर प्रोफाइल मिल जाती है अपने को, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे ज़्यादा यूनिक है भाई, ये देखो अपने हेडसअप डिस्प्ले मिल जाती है दोस्तों उसमें, ठीक है। और टिंटेड ग्लास हल्के से नहीं मिलते भाई इसमें, हल्के से है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट है, ठीक है भाइयों। 6 एयरबैग मिलते हैं अपने गाड़ी में, हेडसअप डिस्प्ले मिलती है। और भाई डुअल टोन में अपना डैशबोर्ड मिलता है। और जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है अपना 22.9 KMPL का इसका माइलेज। क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिल गया अपने को। और भाई यहाँ पे अपने को क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं, मशीन कट अलॉय व्हील पीछे अपने को वो नहीं मिलने वाला दोस्तों, ठीक है, कोई डिस्क वगैरह। अब आते हैं रियर में, रियर में देखो भाई, सबसे पहले नज़र जाएगी ना आपकी वो जाएगी इसका जो बम्पर का साइज़ है ना, वो काफ़ी बड़ा है यार। पीछे वाला जो बम्पर है नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले, रिफ्लेक्टर अपने यहाँ पे हैं, 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं अपने को, वी अपने टॉप एंड भाई, LED में अपने टेल लैम्प मिलते हैं, अपने जो पार्किंग लाइट वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर मिलते हैं अपने को। और कैमरा अपना इधर इधर देखो भाई, कैमरा आ गया टोयोटा का, अपना लोगो आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपना डिफॉगर आ गया, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आ गया, एक कमी जरूर खलेगी अपने को शॉकल एंटीना की, वाइपर आ गया यहाँ पे। और मैं आपको जो है ना भाई, इसको हम गाड़ी को करते हैं अनलॉक, और मैं एक मिनट जो है ना आगे से खोलता हूँ दोस्तों। 318 लीटर का अपना बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा डीप है, अपने सामान वगैरह जो रख सकते हो काफ़ी, अंत मतलब गहराई काफ़ी है इसकी। अपना जो है लैम्प यहाँ पे मिल जाता है अपने को एक LED में, ठीक है, एक हुक मिल जाता है यहाँ पे अपने को, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। और भाई ऐसा कुछ अपना रहने वाला है माहौल डिग्गी का, बूट स्पेस को बोलते हैं हम लोग। ये देखो अपोलो का टायर है दोस्तों, 185/65 R15 इंच जी हाँ, 1 इंच छोटा जैक वैक यहाँ मिलेगा अपने को, पाने बुने इधर मिल जाएंगे भाई। करते हैं बंद ये भाई, हजार वाला पार्शल ट्रे मिल जाती है अपने को, बहुत अच्छी चीज़ है। और भाई यहाँ पे अपने को ये जो इलेक्ट्रिक रिलीज का बटन मिलता है, इसको भाई अपना जो है इसको करते हैं बंद हम लोग। ये देखो आप लोग, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये भाई थोड़ी सी लुक, जो क्रोम वाला पार्ट है ना, ये इसकी लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहा है। एक तरीके से जो है ना कूप टाइप की लगती है गाड़ी, जो मतलब जैसे बोलते हैं ना मेंढक टाइप अपना, मतलब कि भाई बोल सकते हैं मतलब यार देसी भाषा में, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे क्या कुछ माहौल है। पहले उससे पहले चाबी दिखा देता हूँ आप लोगों को, लॉक अनलॉक दोनों ही रिमोट की मिलती हैं अपने को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों गाड़ी के पावर फिगर की। भाई 1.2 लीटर का इसका इंजन आता है अपना जो है, और भाई पावर जनरेट करता है 88 BHP, 113 Nm टॉर्क, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं दरवाजे की, सॉफ्ट टच प्लास्टिक, ठीक है भाइयों। वन टच अप वन टच डाउन ड्राइवर साइड, ठीक है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल साइड मिरर मिलते हैं, क्रोम में डोर हैंडल मिलता है अपने को,
लॉक अनलॉक के भाई इधर मिल गया है, वोटर होल्डर का स्पेस मिलता है, छोटा मोटा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है अपने को। हाइट 6 फीट हाइट एडजस्टेबल मिलती है अपने को, रिक्लाइनिंग एंगल सेट कर सकते हो यहाँ से अपना, नीचे करते हैं सीट को। आ गए हैं गाड़ी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा मतलब यार भाई मारुति ने कर तो कमाल ही दिया, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है यार। टॉप एंड का जो वेरिएंट है नए वाला, टॉप एंड वेरिएंट जो है इसका, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है दोस्तों। मतलब जो है ना अंदर यार ऐसा लग रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा भरा भरा कैबिन लग रहा है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको जो है ना, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये देखो यार हेड सब डिस्प्ले इधर आ गई है, ये देखो यार मतलब भाई हर एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है दोस्तों। गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भाई, ये अपने MID कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल हो गया अपना, इधर क्रूज कंट्रोल नहीं है दोस्तों, ये अपना ब्राइटनेस का बटन है ठीक है। ये हेडसअप डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 व्यू, आइडल स्टार्ट स्टॉप, करते हैं इसको बंद ठीक है। चाबी को रखते हैं इधर, साइड मिरर खुल चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे आ गए प्रेस ब्रेक, इग्निशन स्विच पोजीशन ठीक है भाइयों। अपना स्क्रीन ऑन हो चुका है, 9 इंच की स्क्रीन है और टोटल 6 स्पीकर मिलते हैं इसमें दोस्तों, 4 स्पीकर 2 ट्विटर ठीक है। अभी ये फेड आउट हो गया है, अभी इसका होम पेज आने वाला है, किधर गया भाई होम पेज इसका, अब आएगा यार, बैटरी पता नहीं रहती इन गाड़ियों में भाई। ये देखो उसमें लो फ्यूल का आ गया अपना, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड पे RPM मीटर आ गया है और अपना भाई राइट हैंड साइड पे अपना जो स्पीडोमीटर है, D-cut में अपना भाई ये जो स्टीयरिंग मिलता है, क्रूज कंट्रोल इधर मिलता है अपने को ठीक है। अभी एक काम करते हैं इसका, करते हैं भाई इसका 360 एक्चुअल में जो है ना, ये देखो दोस्तों 9 इंच की स्क्रीन है ये, मतलब कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने को इसमें ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देख रहे हो, 4 KMPL, अरे क्या करके मानोगे भैया ठीक है। मतलब काफ़ी चीज़ें मिलती है अपनी, पेड डिवाइस कनेक्ट वगैरह हो गया इसमें, और यहाँ से अपने को नीचे करते हैं, यहाँ पे जो अपना डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह आ गई, पेड डिवाइस, कॉल टू कनेक्ट, माई इमेजेस, ये वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, और लोग सिस्टम भी वगैरह अगर ऑफ करनी है आपको तो यहाँ से आप लोग ऑफ कर सकते हो उसको ईजिली। अब इसको नीचे करते हैं, ये देखो यार काफ़ी रिस्पॉन्सिव है यार, ये देखो मीडिया सेटिंग्स वगैरह, डेट टाइम सेटिंग्स, यू गाइड वगैरह, ये आ गया, चला जाओ ऊपर ठीक है। सेटिंग्स में देख सो, डिस्प्ले वगैरह हो गया अपना, जो डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग्स है पूरी की पूरी वो हो गई है सारी अपनी। तो मान लो हमें भाई होम पे जाना सीधा, ये देखो भाई ये होम का अपना इसका आ गया, काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन है, GPS वगैरह मिल जाता है इसमें ठीक है भाइयों। बात करते हैं अपना जो है यहाँ पे, अपना जो है भाई ये जो हेडसअप डिस्प्ले है दोस्तों, वो अपना जो है यहाँ पे तो गाड़ी स्टार्ट होगी अपनी, जब ये अपनी ऑन हो जाती है, ऊपर आ जाती है ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इसमें, 6 एयरबैग मिलते हैं अपने को ठीक है भाइयों। यहाँ से अपना फ्यूल लिड खोल सकते हो, 37 लीटर का टैंक मिलता है, यहाँ से अपना बोनट खोल सकते हो आप लोग, नीचे अपना ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया स्पीड वगैरह के लिए, टिल्ट सिर्फ टिल्ट ही मिलता है, ये टेलीस्कोप नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं अपने को इस उसमें। अगर आप एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने को, ये देखो आप लोग ऑटोमेटिक हेडलैम्प, और ये वाइपर मिल जाता है दोस्तों, रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल अपने लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं यहाँ पे। ये अपना भाई ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, रिवर्स न्यूटन ड्राइव ठीक है, अपने को वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, बहुत अच्छी बात है। USB पोर्ट यहाँ मिलता है अपने को, 12 वोल्ट का सॉकेट इधर मिलता है, 2 कप होल्डर का स्पेस यहाँ मिल जाता है अपने को, ग्लॉस ब्लैक में ये वाला पार्ट जो मिलता है बहुत अच्छा लग रहा है इसको। और भाई अपना जो टोटल 3 लेयर में अपना जो डैशबोर्ड है पूरा का पूरा यहाँ पे देखते हो, अपना जो हल्का सा ग्रे है, ग्लॉस ब्लैक है, और ये हल्का सा क्रीम कलर है, और ये लैम्प मिल जाता है इसमें, हल्का सा रोशनी उसकी थोड़ी सी है। ये अपनी भाई लाइटें मिलती है हेलोजन ऊपर वाली, टिकट होल्डर मिलता है
मिरर मिल जाते हैं अपने को यहाँ पे, इसमें लाइट मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। सेम भाई इस साइड ग्रैब हैंडल मिलता है यहाँ पे, और भाई स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट मिल जाता है अपने को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। आर्मरेस्ट इधर मिल रहा है अपने को, बहुत बढ़िया यार। मतलब काफ़ी, मतलब जो है ना दोस्तों, MID के अपने जो कंट्रोल है इसके, मीडिया वगैरह के यहाँ पे मिलते हैं अपने को इस साइड। और चाबी लेते हैं, चलते हैं पीछे, क्या कुछ स्पेस है। और भाई थिकनेस एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, काफ़ी मतलब बढ़िया यार थिकनेस जो है डोर की, अगर आपको देखने देखोगे आप लोग। और एक बार थर्ड सुनाता हूँ, क्या बात है यार, मज़े आ गया। देखो सेंसर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डोर अपना डोर गार्निश वगैरह हो गया है। क्रोम में डोर हैंडल बड़े प्रीमियम लगते हैं भाइयों। खोलते हैं दरवाजे को भाई, काफ़ी मोटा मोटा सा दरवाज़ा है, बाकी तो आप लोग जानते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। भाई तीनों के तीनों आर्म रेस्ट मिल देख रहे हो आप, वो सॉरी आर्म रेस्ट मैं कह रहा हूँ यार, हेड रेस्ट है भाई ये, हेड रेस्ट। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं। सीटों की कुशनिंग तो भाई बलिनो की और इसकी सेम है, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सीट है यार, कुशनिंग बहुत बढ़िया लगती है मेरे को इनकी। और डैशबोर्ड का व्यू कुछ ऐसा माहौल है भाई आगे का। लाइट ये कौन भाई जला के छोड़ गया। ठीक है भाइयों, ग्रैब हैंडल इधर मिलेगा अपने को, एक इधर मिलेगा, हुक मिल जाता है। ठीक है भाइयों, बहुत ही यार मतलब अल्टीमेट है यार हर एक चीज़ जो है ना। क्रोम में डोर हैंडल मिलते हैं यार, बहुत प्रीमियम है। और जो सीटों की कुशनिंग है वो बहुत बढ़िया है। आर्मरेस्ट नहीं है क्या भाई इसमें? भाई आर्मरेस्ट के पीछे वाले लोगों को कमी जरूर खलेगी, मैं दे देते यार। अब बता रहा हूँ भाई, कंपनी कंपनी भाई कितने मांग रही है ऑटोमेटिक गाड़ी के आपसे, टॉप एंड वेरिएंट के पैसे भाई। कंपनी क्लेम क्लेम क्या कर रही है यार, मांग रही है भाई 11,28,000 रुपये की ऑन रोड पड़ रही है आपको मेरिट के अंदर। ये 11,28,000 अब बहुत है यार भाइयों, मतलब इस प्राइस आई होने मेरे हिसाब से तो ब्रेजा उठा लो यार, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, पर ये भाई भाई टॉप सेलिंग कार है, ये भी जरूर जा सकते हो उस पर, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है। ठीक है भाई, उसे मतलब फुली लोडेड मिलती है यार अपना, जो सब कुछ मतलब क्लासी डुअल टोन में भाई, डैशबोर्ड मिलता है अपना, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, 6 एयरबैग मिल रहे हैं, 360 कैमरा मिल रहा है, हर एक चीज़ मतलब बहुत बढ़िया मिल रही है आपको। आप लोग भाई बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है आप लोगों के लिए। यार मेरे को जो है ना एक ज़रूर शिकायत है मारुति से भाई, ये जो इंडिकेटर देते हैं ना यार, ये वाले जो बल्ब से लगा के, इसकी जगह भाई DRL में ही अपना इंडिकेटर पता नहीं क्यों नहीं प्लेस करते हैं, वो थोड़े से और भाई प्रीमियम लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई, चैनल पे पहली बार आए हो तो लाल बटन को चिपका के भाई अंगूठा जरूर लगा के जाना उस पर, क्योंकि भाई ऐसा बढ़िया कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक बार भाई आप लाइक कर दोगे और भाई उसको सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आप लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हो। थैंक यू सो मच।